यू नो प्राइस करेक्शन से गुजरा है। आज उसने अटेम्प्ट किया, उसका जो इम्पोर्टेंस रेजिस्टेंस था 400-402 के आसपास, वो उसने सरपास किया और इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं लगता है 385 के स्टॉप लॉस से अगर इसको लॉन्ग करते हैं तो एक पोजिशनल इसमें परस्पेक्टिव रखते हैं तो 438 के जो इसके प्रीवियस हाई ये स्टॉक चैलेंज कर सकता है आने वाले हफ्ते में। तो MHRIL करंट लेवल पे हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है, जिसमें एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम नेक्स्ट वीक भी आते हुए दिख सकते हैं। 407 के जोन्स पे भी कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास है, आप लॉन्ग जाएंगे, 438 का एक टारगेट रहेगा और करीब करीब 385 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। पंकज जी का पोर्टफोलियो लेकर आए, किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं? जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न है, हिंदुस्तान कॉपर को होल्ड कर रहे हैं और गोदावरी पावर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो पंकज जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, NBCC के ऊपर ध्यान लग रहा है, NBCC 118 रुपए की रेंज में बाइंग करने की सलाह रहेगी। दो इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसके अंदर, एक तो कल के हाई के करीब करीब ये अप्रोच होने की कोशिश कर रहा है एंड डेली चार्ट्स के ऊपर जो है वो 20 डे को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट हो रहा है वहां पे, अगर वो वहां से बाइसेक्ट होता है तो डेफिनेटली 135 तक की लेवल्स हम लोगों को देखने मिल सकती है। डेफिनेटली ये आज के दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक तक अगर कैरी करे तो अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो NBCC डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 118-119 के जोन्स में करीब करीब 5 रुपये की तेजी है और यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये पंकज जी की तरफ से कॉल है और अच्छे। पंकज जी, एक बार फिर से टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। टारगेट जो है 135 के टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस जो है 110 का स्टॉप लॉस रहेगा। 135 और 110 के स्टॉप लॉस और 135 के टारगेट्स के लिए आप NBCC में लॉन्ग जाएंगे। ब्रजेश जी, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, मुझे एजिस लॉजिस्टिक पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है 437 का रेट चल रहा है, सो मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा 437 में। इसका स्टॉप लॉस है 418 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 520 के करीब मैं टारगेट देख रहा हूँ इसमें। 418 का स्टॉप और 520 के टारगेट्स के लिए आप एजिस लॉजिस्टिक्स को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं, 437-438 के जोन्स में अभी ये स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। समित जी, दूसरी कॉल। केएसबी लिमिटेड हमें सुमित अच्छा लग रहा है, स्टॉक में यू नो डीसेंट स्ट्रक्चर है ओवरऑल, ये स्टॉक में स्ट्रेंथ भी हमने काफी टाइम से देखी हुई है, तो यहाँ से हमें लगता है कि जो उसकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो ये स्टॉक रिज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग यू नो 4080 के टारगेट के लिए हम केएसबी लिमिटेड बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें स्टॉप लॉस 3780 का मेंटेन करना है। 3780 का स्टॉप और 4080 के टारगेट्स के लिए KSB लिमिटेड, KSB पंप जिसका पहले नाम था, KSB लिमिटेड पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। 3860 का ये मौजूदा स्तर देखने को मिला, लो वॉल्यूम ट्रेड है, जरा इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखेंगे। पंकज सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित जी, सुवेन फार्मा के ऊपर ध्यान लग रहा है, सुवेन फार्मा ये 665 की रेंज में अभी ये फिलहाल चल रहा है। देखिए काफी स्ट्रांग एंटिसिपेशन है, हाई राइज के फॉर्मेशन वहां पे देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि 640 जो आज के दिन के नीचे बिल्कुल 1 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस हो गया, 640 का टारगेट जो रहेंगे वो 720 के हम लोग देखने मिल सकते हैं। 720 का एक टारगेट यहां पर आप लेकर चल सकते हैं, 655 पे भी एक स्टॉक कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास है, 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो सुवेन फार्मा दूसरा नाम रहेगा जो कि आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। तो मेजरली आज डाइवर्सिफाइड स्पेस से तमाम शेयर आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर से आ रहे हैं। आगे बातचीत करें कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन आज क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है।